यही तो खेद है। जिंदगी भर मैं दूसरी ही। देखे जो मैंने सपने सतरंगी ही मगर थे, देखे जो मैंने सपने सतरंगी ही मगर थे, मन ही ना क्यों समझे वो अंतरंगी ही थे। कहाँ जाना है? सेवन लॉज को जाना। सेवन लॉज को? अरे मतलब आप सरा चौक। नहीं नहीं मैं कातरा जा रहा हूँ, उधर नहीं आ सकता। अरे पर देखो ना दादा, एक भी रिक्शा वाला रुकने को तैयार नहीं। बैठिए ताई आप। अरे लेकिन कहाँ जाओगे, कुछ पूछोगे या नहीं? कहाँ भी जाइए, मीटर है ना, ना होता है उतना दे दो। बस भगवान की तरह मिल गए देखो आप। श्री हरि श्री हरि। दादा, ओ दादा, मर गया ना वो सांप। क्या है? हे, अपने वो माने साहब। वो माने साहब ये कौन नहीं? शिवराम माने साहब। आ, ते गए ना? हाँ। तुम कौन उसकी? मैं उनकी बीवी। अरे भाभी जी, भाभी साहब बैठिए बैठिए। शिवराम हमें बड़े भाई जैसा, अब क्या काम निकला? ते फंड के पैसे का देखना था। हाँ बराबर बराबर, ऐसा कीजिए यहाँ से सीधा जाइए, फिर दाएं जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर सीधे जाइए, वहाँ बैठी होगी वो भैंस। भैंस? अरे बॉस के केबिन में। ठीक है जाऊँ क्या? देखा क्या अपने वो बॉस? हाँ ना, क्या चल रहा है? जाने दो, वैसे भी हमें क्या करना है, बस हम अपना काम करते हैं। ठीक है, रुको जरा, रुको रुको, ए जरा धीरे बोलिए, फोन चालू है मेरा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ 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 हाँ, मैं शांता माने, माने साहब की बीवी। माने साहब? ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ। शिवराम माने? हाँ शिवराम, सिपाही था वो यहाँ। सिपाही? सिपाही? ओ साहब, क्या हुआ? वो भाभी जी आई है। दोपहर की उतरी नहीं क्या तुम्हारी? अरे अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे वो शिवराम की? शिवराम को भाभी बीबी कुछ नहीं है, चुप बैठ। अरे उनकी घरवाली, उसकी बीवी आई है। हाँ कहाँ है वो? भैंस के गोठे में। अरे हट जाओ,
यहाँ बाहर ही बैठता था स्टूल पर। नहीं मतलब पूरे शहर में घूमता रहता था, जब फुर्सत मिल जाती तब यही आकर बैठता था। आप बैठो, पानी लीजिए। अच्छा लग रहा है? आया तुरंत। कैसे संभालू इसे? नमस्ते साहब, आप आए थे ना हमारे घर? हाँ हाँ, पहचाना मैंने आपको। वो फंड के पैसे का देखना था। क्या है? वो पीएफ का पूछना था उन्हें। आपका हिसाब हो गया 1.5 लाख। इतना ही? आपको पता नहीं, सबको पता है सारा कर्जा उधार, और 30-35 हजार मिल सकेंगे, लेकिन वो बाद में। आप जा सकती है। अजीब, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? एक दिन छोड़ेंगे, अब आगे की राह तो मुझे अकेले ही तय करनी है। अरे भाभी जी, क्या है? हो गया क्या काम? अब हो ही गया समझो। आइएगा फिर से। माँ, चावल का कुकर चढ़ाया है ना? देशपांडे नहीं आए तुम्हारे साथ? उन्हें थोड़ा काम है, मोहल को जाकर आए, तलाटी के पास खाते फोड़ बता कर आए। तुम्हारे साइन अंगूठा वगैरह लगेगा। हाँ, तुमने क्या सोचा है? ए देख, तू और आनंदा आधी आधी जमीन बांट लेना। और शांता का क्या? उसे क्या करना है, एक ही लड़की है, इधर खाने पीने की कुछ कमी नहीं। शिवराम पति था उसका, उसे उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। मैंने साइन दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले मेरा बेटा खाया, अभी क्या जमीन भी खाएगी क्या? शिवराम दारू पी पी कर लीवर खराब होकर मर गया, शांता को क्यों दोष देती हो? खैर छोड़ो, मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो शांता को बोलती हूँ। शांता? शांता कहाँ गई है? गई होगी वतन पर दादले की स्टेट ढूंढने, कागज के नाम पर दिन भर घूमती रहती है। जाने वाला चला गया, उसने क्या क्या रखा है वो मालूम होना चाहिए ना। अरे तो फिर आनंद है ना, वो कितनी बार आएगा? अरे तो देशपांडे है ना, कभी तो उसे जमाई कहो। देशपांडा क्या देशपांडा? ए भैया, मेरे को आदत हुई है देशपांडा। देशपांडे भी कितनी बार देखेंगे, आखिर खुद को ही हाथ पैर हिलाने होंगे, और शांता भी यही कर रही है। हाथ चलाती है क्या, ठुमकती है, रंगीन रंगीन साड़ियाँ क्या पहनती, होटल में क्या जाती, चाय कॉफी क्या पीती है, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी, इस टेबल से उस टेबल, लोगों की वासना से भरी नजरें, वाहियात नजरें, मदद के झूठे वादे, और उसके बदले में अनचाही अपेक्षाएं। इन सबसे वो मासूम लड़की कैसे रास्ता निकालती होगी, उसे ही पता होगा। देख रे ए शिवरामा, कैसा बर्ताव करती है तुम्हारी बीवी, कुछ है के लियास? अरे बोलना बाबा। हे माँ, अब लो संभल के, मैं था तब की बात कुछ अलग थी, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, बैठा हूँ ना फोटो में आकर, लो संभल के लो। तुम बैठे हो फोटो में टिक्का लगा के, हम डालते हैं हाथ, बस उतना से रहेगा हमारे हाथ में। देखे जो मैंने सपने, देखे जो मैंने सपने, सतरंगी ही मगर थे। देखे जो मैंने सपने,
सतरंगी ही मगर थे, मन ही ना क्यों समझे वो अंतरंगी ही थे, ये मन ही ना क्यों समझे वो अंतरंगी ही थे। रंगी ही